आपका परिचय जानते हुए हम जानना चाहेंगे कि कैसे इस संस्था से आप जुड़े और क्या अनुभव रहे आपके। एक्चुअल मैं सन 2014 में जी होमगार्ड थाना पर सिविल लाइन में मैं यहाँ फोटोग्राफी के लिए आया था। मुझे मानव कटारिया जी लेके आए थे, उनके पड़ोसी का जन्मदिन था तो उन्होंने लेके आए थे। तो तब से मैं भी यहाँ पे 9 बसों से रेगुलर 10 बजे आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ चल आप लेट हो गए हैं, नहीं तो आप आते तो हमारी संगोष्ठी भी बहुत अच्छी होती है। संगोष्ठी में बहुत अच्छे अच्छे नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं और एक नई नई विचारधारा आती है यहाँ पे और हम सुन के जाते हैं यहाँ से, तो हम लोग को एक ऊर्जा मिलती है यहाँ पे जब भी हम आते हैं। और पौधारोपण करना तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है हम लोग को और सभी को हम वो करते हैं, प्रेरित करते हैं कि भैया आप भी अपने जन्मदिन पौधारोप के मनाएं, सालगिरह शादी की सालगिरह भी मतलब उसमें पौधारोप के मनाएं। और यहाँ तक हम लोग पुण्यतिथि तक में भी लोग पौधारोपण लगाने आते हैं हमारी संस्था में। तो बहुत अच्छा काम है ये कदम संस्था जो काम कर रही है, मेरे ख्याल से मनुष्य के हित में ही है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि हर मनुष्य पौधे के रूप में हो जाए, जैसे पौधा रहता है अगर वो उसको पत्थर फेंको फिर भी फल भी देता है, छाया भी देता है। ऐसा करके मतलब विचारधारा ऐसी होना चाहिए, कुछ सीखने को मिले। तो ये बहुत पुनीत कार है, मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ और मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा यहाँ पे और लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप लोग भी अपना जन्मदिन पौधा रोक मने, विशेषकर अनुपम जी आप भी आए और कैमरामैन को भी लाएँ और न्यूज़ चैनल के सभी सदस्यों को लेके आएँ यहाँ पे, पौधा लगाएं साथ मिलकर 10 बजे हमारा डॉट टाइम रहता है, 10 बजे बिल्कुल पौधारोपण होता है। चाहे प्रधानमंत्री आएंगे लेट होंगे तो हम लोग पौधा डॉट टाइम में लगा देंगे। तो जी हम लोग का बड़ा टाइम बिल्कुल पंक्चुअलिटी है, ये सिखाती है जीवन हर एक व्यक्ति को। तो हम लोग तो यहाँ सीख रहे हैं और रोज नई नई बातें सुनते हैं, नई विचारों के साथ हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जैसे कि फोटोग्राफी आपका एक कर्म है, उसी तरीके से इस वृक्षारोपण को भी अपने जीवन के कर्म के तौर पर आपने शामिल किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पूरे परिवार का भी जन्मदिन पौधा रोप के मनाता हूँ, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों को भी लाला कि मैं अभी यहाँ पे लाता हूँ, ये देखिए सुनिए, जो आता है वो यहीं का हो जाता है। मैं जैसे मैं यहाँ का हो गया विगत 9 सालों से कंटिन्यूटी मेरी बनी हुई है, तो मैं जो भी पहली बार आता है वो यहीं का हो जाता है। इतने अच्छे विचार रहते हैं और ये इतना अच्छा काम है, ये अच्छे काम जहाँ पे होंगे वहाँ पर लोग रुकते हैं, उनको अच्छा लगता है। और जो स्वेच्छा से संस्था को मदद करना चाहता है पौधे के ये थे 100 रुपये कास्ट बताए थे सामने, तो वो देखे जाते हैं कि 2-2, 5-5, 10-10 पौधे के लिए ली सर हमारी तरफ से पौधा लगाइए। तो और ये हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि आओ शहर को नीम से ढक दें, तो उसमें भी सहयोग कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि जब लोग आते हैं खुद से स्वेच्छा से देखे जाते हैं पौधे के लिए कि हमारे शहर में नीम के प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी बीच में अपन ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, तो नीम आपको मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। तो हम लोग का ये प्रोजेक्ट ही है कि हम लोग चलो शहर में ये नीम का प्रोजेक्ट करें और नीम से लोगों को मतलब अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन मिले और हम ऑक्सीजन के लिए मतलब जो परेशान हुए थे, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और कहीं ना कहीं शरीर से जुड़े हुए जो विशेष तौर पर तापमान और धूप से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, UVR से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, तो उनके लिए नीम काफ़ी लाभदायक कहा जा सकता है, शीतलता देता है। तो यही कुछ कारण है क्या कि जिसके वजह से आप लोगों ने नीम के पौधे का ही विशेष चुनाव किया? हाँ ये भी एक कारण है और हम लोग लगा ही रहे हैं, मेडिकल में भी लगे हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लगे हैं। तो हम लोग 1 लाख का जो हम लोग का टारगेट है, तो अभी कम से कम हम लोग ने 25,000 करीब पौधे जलपुर शहर में लगा दिए हैं, 25,000। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि नीम का जो पौधा होता है वो आसानी से तैयार हो जाता है, तो ये भी क्या कारण है कि नीम आप लोग जो है तो मुख्य तौर से लगाना चाह रहे हैं? क्या है, कोरोना काल में हमने सब भी देखा है कि ऑक्सीजन का बहुत ही ज़रूरत महसूस हुआ, सो ऑक्सीजनस प्लांट्स एक सिलेक्शन करने का था। कई प्लांट्स हैं नेचर ने दिया है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और भी बरगद का है, सब और भी सब बहुत सारी है। लेकिन क्या है, पीपल का पेड़ कभी कभी ये टिकता नहीं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पीपल का पेड़ होता है वो आकार में भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और जगह बहुत ही लेता है, इसीलिए ये जो नीम का पेड़ है वो 85% ऑक्सीजन देता है दिन में, 85% वो यही से ये जगह भी ज़्यादा नहीं लेते। और वृक्ष तो अच्छा तो ये होता है, वातावरण का ये माहौल बहुत ही अच्छा बनाता है, इसीलिए
लिए वो नीम का पेड़ का सिलेक्शन किया और नीम का पेड़ का ही ये अभियान चला रहा है जी। और जब आपके साथ कोई आता है यहाँ पर जन्मदिन पर अपने वृक्षारोपण करता है, आप ले करके प्रेरित करके उसको लाते हैं, तो फिर कैसा प्रतीत होता है इस कार्य को कर करके? बहुत अच्छा लगता है। अगर हम लोग जब किसी नए व्यक्ति को लेके आते हैं जी और उससे ये बताते हैं कि हम लोग पौधा 10 बजे रोज़ लगा रहे हैं, संगोष्ठी देखते हैं, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, बोले भैया हमको आपने बहुत अच्छी जगह लेके आई है, अब हम अपने पूरे परिवार को लेके आएंगे, पौधारोपण करवाएंगे बच्चे के जन्मदिन में और शादी की सालगिरह में। तो शादी की सालगिरह में तक में भी लोग आते हैं पौधारोपण करने के लिए। और फिर और दिन नहीं भी है तो वो संडे के दिन आते हैं, मतलब छुट्टी किसी सरकारी नौकरी में जॉब में तो वो संडे टू संडे भी आते हैं। कई लोग मतलब अगर उस दिन नहीं आ पाए तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी दिन वो जन्मदिन मनाने के बाद भी कई बार लोग विदाउट इसके भी जन्मदिन के भी लोग सहयोग करने आते हैं, मिलने आते हैं और संगोष्ठी देखने आते हैं और संस्था के कार्यक्रम में हमेशा शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है कि सिर्फ जन्मदिन तक ही या सालगिरह तक ही हम इस कार्य को क्यों सीमित रखें, जब भी हमें मौका मिले तब हम जो है तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है कहीं ना कहीं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए हम लोग तो 10 बजे यहाँ लगाते हैं, सब लोगों का विश्व में जितने भी लोगों का जन्मदिन है उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे पौधा लगाते हैं। तो हमारा तो एक ये जो उद्देश्य है कि रोज़ एक 10 बजे पौधा लगाना, वो अलग चीज़ है कदम संस्था की, मगर यदि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन में अपने घर में भी पौधा लगा रहा है तो हम लोग के लिए वेल एंड गुड रहता है। हम लोग तो बहुत अच्छी बात है कि अपने घर में भी लगाएं और कहीं भी एनी टाइम कहीं भी लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग संस्था के माध्यम से 10 बजे लगती है, अदरवाइज कई लोग के जन्मदिन भी रहते हैं तो वो लोग अपने घर में भी लगा के आते हैं, पहले लगा लेते हैं या बाद में यहाँ जाने के बाद लगाते हैं, तो हम लोग को तो ऊर्जा ही मिल रही है, हम लोग को और एक दुगनी शक्ति मिल रही है कि हम लोग यहाँ भी लगा रहे हैं और घर में भी लगा रहे हैं, तो हमारी प्राकृतिक हरी भरी होने वाली है कदम संस्था के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो प्रकल्प है वो तो आगे बढ़ ही रहा है, आपका बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग को तो खुशी ही हो रही है कि हम लोग हमारे यहाँ कुछ सीख के जा रहे हैं। लोग कई बातें ऐसी भी बताते हैं लोग कि साहब हम लोग को बहुत इंटरेस्ट नहीं था, मगर आप कदम संस्था के संस्थापक महोदय आदरणीय हमारे योगेश गनोरे जी के माध्यम से बोले थैंक यू सर, आपसे हम इतना सीखे, हम तो कभी ध्यान नहीं देते थे पौधे में, मगर आजकल एक पत्ती भी टूट जाती है, एक डाल भी टूट जाती है तो हम लोग को दुख होता है। एक हमारे सीमा चतुर्वेदी उनका बेटा है तो वो एक दिन स्कूल जा रहा था, वो भी जुड़ा हुआ बहुत अच्छे से, सीमा जी भी रोज रहती हमारे यहाँ, तो उनका बच्चा एक बार स्कूल जा रहा था तो एक पेड़ कटते देखा था, बोले मेरे मम्मी मेरे हाथ में झंझनी हो रही थी जब पेड़ कट रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि हम लोग पौधा लगाते हैं लोग पेड़ काट रहे हैं वहाँ। तो बच्चे बच्चों में जो अलग जगह भावनात्मकता जुड़ जाती है कहीं ना कहीं, जो बच्चों में जो आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे हम बीजा प्रोपण करते हैं हमारे जो संस्था है तो हर स्कूल के बच्चे देखे जलपुर शहर के सब जानते हैं कि कदम संस्था हमें एक बीज देती है, हम उससे पौधा होता है बनता है, जब उनका पौधा आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, हर बच्चे जानते हैं कदम संस्था हमें एक बीज दे रही है, हम पौधा स्कूल के बच्चे ज़्यादातर, तो हम उनको बुक कर रहे हैं स्कूल के बच्चों को, मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि भाई बेटा ये बीज बना के पौधा पौधा आता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, पौधा लेके आते हैं, फिर हम लोग हर साल एक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें जिस बच्चे के लॉटरी के माध्यम से वो निकालते हैं अपना कूपन निकालते हैं, तो उसमें जो जीतता है तो कैलाश गुप्ता जी जो हमारे अपने जी हैं ऑटोमोबाइल वाले, तो कैलाश गुप्ता जी के माध्यम से लैपटॉप, पहले कार देते थे फर्स्ट प्राइज और लैपटॉप, आजकल भी लैपटॉप देते हैं और कुछ राशि भी देते हैं कैश के माध्यम से, और प्लस हम लोग 100 साइकिल बांटते हैं और ऐसे कंसोलेशन प्राइज भी हम लोग देते हैं बच्चों को, तो ये बहुत बड़ा काम है जो बच्चों के लिए और बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, पौधारोपण को मतलब अपने जीवित रखने के लिए, पौधे लगाने के लिए, हम लोग उनके मन में भी ये चीज़ डाल रहे हैं कि बेटा आगे बढ़ के आपको पौधा लगाना है। निश्चित तौर पर ये प्रकल्प बड़ा ही बेहतर है और आगे एक बेहतर भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप दोनों लोगों ने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि वृक्षारोपण एक बेहद पुनीत कार्य है, अपने प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए, इस प्रकृति पर भविष्य में मानवों को सुरक्षित करने के लिए यह बेहद ही आवश्यक है। और जिस प्रकार से राम सेतु में एक गिलहरी के द्वारा कुछ कड़ रेत के ले जा करके उस राम सेतु को बनाने में सहयोग दिया गया था, उसी तरीके से आप लोग भी एक एक पौधा लगा करके इस प्रकृति को हरा बनाने में अपना सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।